हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टूथ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम बकल कैविटी में टूथ एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है एंड दिस इज सेड टू बी मेस्टिकेटरी ऑर्गन। कि जो भी खाना हम इंजेस्ट कर रहे हैं, फूड इनटेक कर रहे हैं, उसकी जो मेस्टिकेशन है उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने का काम कौन करती है? टिथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि टिथ कितने टाइप्स की होती हैं, टिथ की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, लेकिन आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। आप सबने टिथ तो देखे ही होंगे एक्सटर्नली, लेकिन यदि इंटरनली हम उसको देखें तो उसके कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो टूथ बनाने में हेल्प करते हैं, कौन से ऐसे पार्ट हैं जो उसको न्यूट्रिशन देते हैं। तो आज का हमारा मेजर फोकस रहेगा सेक्शनल व्यू ऑफ टूथ। कि जब हम वर्टिकल सेक्शन काटते हैं, जब हम टिथ को वर्टिकली कट करते हैं, तो हमें टूथ कैसा दिखाई देता है, इंटरनली वो कैसा दिखाई देता है। तो बिफोर एक्सप्लेनिंग द इंटरनल सेक्शन ऑफ टिथ, मैं आपको बता दूं जो टिथ की ओरिजिन है, टिथ एक ऑर्गन है, मैं आपको थोड़ा सा रिकैप कराऊं तो आपको पता ही होगा स्पर्म एंड ओवा फ्यूज करके क्या बनाते हैं, जाइगोट, एंड जाइगोट अल्टीमेट क्लीवेज के थ्रू क्या बनाता है, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो में थ्री जर्म लेयर बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। जर्म लेयर जो फर्दर डिवाइड एंड डिफ्रेंशिएट करके हमारे बॉडी में क्या बनाते हैं, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो जो टिथ भी एक मेस्टिकेटरी ऑर्गन है, बोनी ऑर्गन है, तो उसकी ओरिजिन कैसी है बेटा, एक्टोमेसोडर्मल इन ओरिजिन। इसका मतलब हमारे जो टिथ है इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। तीन जर्म लेयर बताई मैंने आपको, जो एम्ब्रियो है अर्ली स्टेज उसके अंदर तीन जर्म लेयर होती है बेटा। जो जर्म लेयर अंदर की तरफ होती है उसको एंडोडर्म बोलते हैं, जो बीच में होती है उसको मेसोडर्म बोलते हैं, और जो बाहर की तरफ होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म का मतलब लेयर, एक्टो का मतलब आउटसाइड। तो अपनी जो टिथ की फॉर्मेशन है वो कैसी है, एक्टोमेसोडर्मल, एक्टो का मतलब जो एक्टोडर्म से भी बनी है और मेसोडर्म से भी बनी है। तो मैं आपको बताऊंगी, नीट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट एक्टोडर्म से बना है और कौन सा पार्ट मेसोडर्म से बना है। लेकिन उससे पहले आ जाते हैं हम सेक्शनल व्यू ऑफ मोलर। आपने पढ़ा है चार तरह के टीथ होते हैं अपनी बकल कैविटी में, स्टार्टिंग फ्रंट टीथ जिसको हम इंसीजर बोलते हैं, पॉइंटेड टीथ विच इज सेड टू बी कैनाइन, फिर कैनाइन के जस्ट साइड में ही कौन से होते हैं, प्री मोलर, और लास्ट जो बिल्कुल बैक ऑफ द माउथ होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मोलर। तो यहाँ पे मैंने किसका सेक्शन ड्रॉ किया है, मोलर का। तो आपकी बुक में यदि कोई पॉइंटेड टिथ बना हुआ तो आप कंफ्यूज मत होना, मे बी वो किसका सेक्शन हो, केनाइन का सेक्शन हो। तो जस्ट शेप वेरी कर रही है, लेकिन इंटरनल जो एनाटमी है इनकी, इंटरनल जो स्ट्रक्चर है टिथ का, लगभग सिमिलर ही होता है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता। तो स्ट्रक्चर ऑफ टिथ, वेंट्रल सेक्शन देखें तो हमने टिथ को, टिथ हमें, टिथ जो है मेजर थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्राउन, नेक एंड रूट। ध्यान से देखें, सबसे बाहर वाले पार्ट को क्या बोला, क्राउन, मिडिल पार्ट को क्या बोला, नेक, और सबसे बॉटम पार्ट को क्या बोला गया, रूट। जो हमारा टिथ है अपर जॉ और लोअर जॉ में सिचुएटेड है, इसका मतलब टिथ किसके अंदर इम्बेडेड है, हमारा जॉ के अंदर इम्बेडेड है। अपर टिथ कहाँ लोकेटेड है, अपर जॉ के अंदर। लोअर टिथ कहाँ लोकेटेड है, इनर जॉ के, लोअर जॉ के अंदर। क्लियर है आपको? लेकिन टिथ का मेजर पार्ट तो इम्बेडेड है जॉ के अंदर, लेकिन कुछ पार्ट बाहर दिखाई भी देता है। उस जो विजिबल पार्ट होता है टिथ का उसको क्या बोलते हैं, क्राउन। और नेक पार्ट जो टिथ का इम्बेडेड होता है जॉ के अंदर, बिल्कुल पार्शियल आपको विजिबल होता है, दैट पार्ट इज सेड टू बी नेक। और जो जॉ के नीचे होता है, हम कहें कि जो हमारी जॉ बोन है उसके अंदर जो पार्ट टूथ का घुसा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रूट पार्ट। क्लियर होगा आपको कि जो पार्ट विजिबल है उसको हमने क्या बोला, क्राउन। जो टिथ का पार्ट जॉ के अंदर इम्बेडेड है, गम्स में, मसूड़ों के अंदर इम्बेडेड है, उसको क्या बोलते हैं, नेक। और जो जॉ बोन के अंदर लोकेटेड है उसको हम क्या बोलते हैं, रूट। ये तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको, विजिबिलिटी या एम्बेडेड नेचर के बेस पे हमने थ्री पार्ट्स में इसको कवर कर दिया। लेकिन अब हम एनाटॉमी की बात करते हैं तो हम बाहर से अंदर की तरफ आएंगे। तो अपने टूथ के ऊपर एक व्हाइटिश लेयर होती है विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ नेचर। यदि हम बात करें एनिमल किंगडम की तो एनिमिलिया में, एनिमल्स के अंदर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है, इनेमल। तो इनेमल जो बाहर वाला पार्ट दिख रहा है, व्हाइटिश जो पार्ट दिख रहा है आपको टूथ का, उसको हम क्या बोलते हैं, इनेमल। जस्ट नीचे यदि हम इनेमल के आते हैं तो मेजर पोर्शन क्या कहलाती है बेटा, डेंटाइन। एंड द इनर मोस्ट पार्ट इज सेड टू बी पल्प कैविटी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज पल्प कैविटी, जो टिथ को न्यूट्रिशन भी देती है और टिथ की फॉर्मेशन में भी मेजर रोल किसका होता है बेटा, पल्प कैविटी की, पल्प कैविटी का। तो अब ध्यान से देखें कि इनका मेजर रोल क्या क्या है यहाँ पे। तो इनेमल का मेन काम क्या है बेटा, प्रोटेक्शन देना।
सीधा सा हम पहले आ जाते हैं पल्प कैविटी. द इंटरनल सेक्शन ऑफ द टूथ इज सेड टू बी पल्प कैविटी. पल्प का मतलब क्या होता है? पल्प टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं? गुदा के लिए. जैसे आपने गुआवा खाया तो उसका पल्प पार्ट. दैट मीन्स ये जो पार्ट है ये बहुत ही सॉफ्ट है. इट इज कम्पोज ऑफ सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड, नर्व, इन सारे सप्लाई से मिलकर बना है. दैट्स वाई इट इज सेड टू बी पल्प. पल्प का मतलब सॉफ्ट. हेयर पल्प टर्म इज यूज फॉर सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना है. दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी पल्प पार्ट. और ये जो पूरी कैविटी दिख रही है, कैविटी का मतलब स्पेस, हेंस इट इज सेड टू बी पल्प कैविटी. अब आप देखें यहाँ पे कि ये जो पार्ट है यहाँ पर से जो जॉ बोन है वहां पे से ब्लड सप्लाई एंटर कर रही है. हेयर ब्लू कलर रिप्रेजेंट वेन्स, रेड कलर रिप्रेजेंट आर्टरीज एंड ग्रीन कलर हेयर रिप्रेजेंट नर्व सप्लाई. नर्व फाइबर्स इसके अंदर एंटर कर रहे हैं और जिस पार्ट से एंटर कर रहे हैं उसको बोलते हैं एपिकल फोरामेन. ये क्वेश्चन नीट में पूछा भी जाता है. द पार्ट ऑफ पल्प कैविटी फ्रॉम वेयर ब्लड नर्व सप्लाई एंटर, दैट पार्ट इज सेड टू बी एपिकल फोरामेन. क्लियर हो गया आपको? द इनर मोस्ट पार्ट, द सॉफ्ट पार्ट ऑफ टिप, जो टिप के अंदर सॉफ्टर पार्ट है उसको हमने क्या बोला बेटा? पल्प कैविटी. और इसी पल्प कैविटी में, ये पल्प कैविटी किससे मिलकर बनी है? सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड एंड नर्व सप्लाई. और जिस पार्ट से ब्लड और नर्व एंटर कर रहे हैं उसको हमने क्या बोल दिया? एपिकल फोरामेन. और जहां से एंटर कर रही है दैट इज सेड टू बी रूट कैनाल. आपने सुना भी होगा कई बार आरसीटी टर्म सुना होगा आपने, रूट कैनाल ट्रीटमेंट. कि कई बार यहाँ पे कैविटीज होने की वजह से ये इन्फेक्ट हो जाती हैं या समटाइम डेंटल कैरीज डैमेज दी नर्व सप्लाई और टिप के अंदर बहुत ही सेंसेशन होती है, बहुत ही पेनफुल सेंसेशन होती है. तो डॉक्टर इन जो डैमेज नर्व सप्लाई होती है उनको क्या कर देते हैं? ठीक कर देते हैं. तो आरसीटी के टर्म में आपने सुना होगा. तो आरसीटी किससे जुड़ा हुआ है? यहाँ पे रूट कैनाल, जहां से किस चीज की एंट्री हो रही है? ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई की. क्लियर हो गया आपको? अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मेजर पोर्शन जो टिप का अपर पार्ट, जिसको हमने क्या बोला? इनेमल. लेकिन जो टिप में आपको मेजर पोर्शन दिख रहा है दैट इज डेंटाइन. सबसे मेजर पोर्शन टिप के अंदर क्या है बेटा? डेंटाइन. ये जो पल्प कैविटी है, दिस ग्रीन कलर कैविटी हेयर रिप्रेजेंट पल्प कैविटी, इसको चारों तरफ से कौन सी लेयर सराउंड कर रही है बेटा? डेंटाइन. देखो बाहर भी इसको किसने सराउंड किया? डेंटाइन ने. अंदर की तरफ भी इसको किसने सराउंड किया? डेंटाइन ने. इसका मतलब डेंटाइन इज द मेजर पार्ट विच सराउंड द पल्प कैविटी. अब थोड़ा सा बात आ जाती है कि आप देखते हो जैसे जैसे छोटे बच्चे में टिथ इरप्ट हो रहा है तो कौन से सेल यहाँ पे टिथ को बनाते होंगे? तो हम थोड़ा सा रिकॉल करें तो पल्प कैविटी के अंदर जो ये पल्प मेम्ब्रेन दिख रही है यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं. एंड दीज स्पेशलाइज्ड सेल इज सेड टू बी ओडोंटो ब्लास्ट सेल. इन सेल को क्या कहा जाता है बेटा? ओडोंटो ब्लास्ट. ओडोंटो का मतलब टिथ, ब्लास्ट का मतलब फॉर्मिंग. ऐसे सेल जो टिथ की क्या कर रहे हैं बेटा? फॉर्मेशन कर रहे हैं. इसका मतलब जो डेंटाइन बना है यहाँ पे, ये डेंटाइन कौन रिलीज करते हैं? ओडोंटोब्लास्ट सेल. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ओडोंटोब्लास्ट, द पल्प कैविटी, द मेम्ब्रेन ऑफ पल्प कैविटी इज लाइंड विद स्पेशलाइज सेल विच इज सेड टू बी ओडोंटोब्लास्ट सेल, जिसका मेन काम क्या है? डेंटाइन को रिलीज करना. डेंटाइन इज द मेजर पार्ट ऑफ टिथ. और डेंटाइन के ऊपर किसकी कवरिंग होती है? इनेमल की कवरिंग. यदि ये इनेमल डैमेज हो जाए तो डेंटाइन डैमेज होनी शुरू हो जाएगी और बहुत ही पेनफुल सेंसेशन शुरू होनी शुरू हो जाएगी. अब बात आती है कि ये ओडोंटोब्लास्ट सेल क्या लाइफ लॉन्ग टीथ की फॉर्मेशन करते रहते हैं? तो नहीं. एडल्ट स्टेज में, जब हम एडल्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं तब धीरे धीरे ये पल्प कैविटी सूखने लगती है, श्रिंक होने लगती है. और यदि ये सूखनी शुरू हो गई तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट सप्लाई इन सेल को क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी. और टिथ की फॉर्मेशन क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है. तो एक एज के बाद टिथ का साइज इनलार्ज नहीं होता ड्यू टू स्क्वीजिंग ऑफ पल्प कैविटी. तो आपसे क्वेश्चन, तीन चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक तो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ इनेमल, इनेमल किसके बने होते हैं, डेंटाइन कौन बनाता है? तो डेंटाइन इज फॉर्म्ड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल. तो एक बार हम अपनी एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं कि टिथ को मेजर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया. आपको होप सो क्लियर है. क्राउन, नेक, रूट. क्राउन इज द विजिबल पार्ट जो बाहर दिखाई दे रहा है.
जो गम्स के अंदर, जो मसूड़ों के अंदर इम्बेडेड पार्ट है उसको हमने क्या बोला, नेक, और जो हमारी जॉ बोन मेंडिबल एंड मैक्सिला के अंदर डिपॉजिटेड है उस पार्ट को क्या बोला अपने, रूट। अब यदि हम सेक्शन की बात करें तो जो क्राउन है इट इज मेड अप ऑफ इनेमल, इसके ऊपर फोकस करना बेटा। इनेमल इज सिक्रेटेड बाय अमीलोब्लास्ट सेल, रेस्ट ऑफ सारा पोर्शन टिपका किसने बनाया है, ओडोंटोब्लास्ट ने, और इनेमल की फॉर्मेशन किसने की है, अमीलोब्लास्ट ने। दो अलग अलग सेल आपने पढ़े, एक तो अमीलोब्लास्ट एक ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट किसकी फॉर्मेशन करते हैं, डेंटाइन की, और अमीलोब्लास्ट किसकी फॉर्मेशन करता है, इनेमल की। जो अमीलोब्लास्ट है इट इज मेड अप ऑफ या इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्टोडर्म, इसका मतलब हमारे टिथ में सिर्फ इनेमल ही ऐसा पार्ट है जो किससे मिलके बना है या किससे ओरिजिनेट हुआ है, एक्टोडर्म। और रेस्ट जितना भी आपको टिथ के अंदर स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं दे ऑल टोटली डेवलप फ्रॉम मेसोडर्म। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ टूथ डेवलप फ्रॉम मेसोडर्म ऑफ एन एम्ब्रियो। सिर्फ कौन सा पार्ट आपका टूथ का कौन सा पार्ट एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है, इनेमल। जो कौन से सेल बनाते हैं, अमीलोब्लास्ट सेल। अब इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इनेमल को क्यों हार्ड सब्सटेंस कहा गया है, या एनिमल किंगडम की बात करें तो इसको हार्डेस्ट सब्सटेंस कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर 96% क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट। दीज इनऑर्गेनिक सॉल्ट, इनऑर्गेनिक सॉल्ट किसके हो सकते हैं, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट एंड पोटेशियम फॉस्फेट, प्लस 3% वाटर एंड 1% ऑसिन प्रोटीन एंड कैरेटिन प्रोटीन। ये जो ऑसिन प्रोटीन है ये किसका प्रोटीन होता है बेटा, बोन का प्रोटीन होता है। ऑसिन टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं, बोन के लिए। तो जो ऑसिन प्रोटीन है और इनऑर्गेनिक सॉल्ट है ये इसको कैसा नेचर प्रोवाइड करता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस। और इनेमल एक ऐसा सब्सटेंस है जो टिल डेट अब तक भी आर्टिफिशियली लेबोरेटरी कंडीशन में प्रिपेयर नहीं किया गया। इसका मतलब यदि हम बहुत ही ज्यादा एसिडिक और अल्कलाइन फूड इनटेक करते हैं या ड्यू टू डेंटल कैरियस या ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कई बार ये इनेमल क्या हो जाता है, डैमेज, और ये कभी भी दोबारा से बनाया नहीं जा सकता। तो हमारे टूथ को जो मेजर प्रोटेक्शन देने का काम है वो कौन करते हैं, इनेमल, विच इज सिक्रेटेड बाय अमीलोब्लास्ट सेल, और अमीलोब्लास्ट की ओरिजिन कैसी है, एक्टोडर्म। रेस्ट पार्ट किससे मिलके बना है, मेसोडर्म। अब आ जाते हैं डेंटाइन पे। डेंटाइन इज द मेन पार्ट ऑफ टूथ। ये कितने परसेंट इनऑर्गेनिक सॉल्ट से बना है, 69, ये कितने परसेंट, 96, और ये कितना, 69। रिवर्स कर देना, याद करने का तरीका बता देती हूँ, नीट में पूछा जाता है बेटा ये। इसके अंदर 96% है इनऑर्गेनिक सॉल्ट और इसमें कितना है, 69% इनेबल से जैसे आओगे। इसका मतलब डेंटाइन एज कम्पेयर टू इनेबल थोड़ा सा लेस हार्डर होता है। और इस डेंटाइन को बनाता कौन है, इसको कौन से सेल बनाते हैं, ओडोंटोब्लास्ट सेल। तो डेंटाइन का मेजर काम क्या है, पल्प कैविटी। आप खुद ही समझ चुके होंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट टूथ में कौन सी कैविटी का है या कौन सा पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, पल्प कैविटी। उस पल्प कैविटी को प्रोटेक्शन देने का काम कौन करती है, डेंटाइन। दिस पल्प कैविटी इज नेसेसरी फॉर न्यूट्रिशन एंड सर्वाइवल ऑफ द टिथ। मतलब जो एक टिथ हमारे जो में लोकेटेड है या टिप की फंक्शनिंग है ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा, पल्प कैविटी। एट द बेस ऑफ पल्प कैविटी, मैंने आपको बताया कि बेस जो ये पल्प कैविटी है, ग्रीन कलर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट पल्प कैविटी, और जहां से ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई एंटर करी उसको हमने क्या बोला, एपिकल फोरमेन। और जो सेल इसको सराउंड करते हैं या लाइंड पल्प कैविटी के अंदर जो कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है सेल की, स्पेशलाइज लेयर, जिसको हमने क्या बोला, ओडोंटोब्लास्ट, जो किसकी सिक्रीशन करते हैं, डेंटाइन। तो होप सो क्लियर होगा आपको इंटरनल सेक्शन ऑफ टिथ। तो मेजर कितने पार्ट पढ़े आपने, क्राउन, नेक एंड रूट। और वैसे हमने कंपोजिशन के बेस पे भी हम देखें तो सबसे बाहर वाले पार्ट को क्या बोला, इनेबल। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या बोला, डेंटाइन। एंड द इनर मोस्ट सॉफ्टर पार्ट को जिसको हमने क्या नाम दिया, पल्प कैविटी। तो यहाँ पे सबसे मेजर इंपॉर्टेंट रोल टूथ में कौन प्ले करती है, आपकी पल्प कैविटी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टिथ, प्रॉपर्टीज ऑफ टिथ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेंटल फॉर्मूला जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू।